वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको YouTube चैनल डेली माइंड ब्लोइंग में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वॉच DZ09 स्मार्ट वॉच का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि वॉच का बॉक्स आपको इस टाइप पे मिलने वाला है। तो वॉच के बॉक्स में जब हम इसको ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक वॉच मिल रही है। इसी के साथ हमें इस बॉक्स में एक USB केबल भी मिल रही है जिसको हम वॉच को चार्जिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें एक यूज़र गाइड मिल रही है जो कि चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर हम वॉच की तरफ आएँ तो ये हम देख सकते हैं कि वॉच को एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टाइल किया गया है। वॉच का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, यूनिक डिज़ाइन की वॉच है ये। हम ब्लैक कलर में वॉच खरीदी हुई है। वॉच का यहाँ पे आपको कैमरा मिल रहा है, इसी के साथ यहाँ पे आपको वॉच का ऑन ऑफ बटन मिल रहा है। यहाँ पे बैटरी के लिए स्लॉट मिल रही है जहाँ पे आप चार्जर लगा के इसको चार्जिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पीकर मिल रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वॉच को अगर हम ऑन करते हैं तो ये हमने वॉच को ऑन किया है, वॉच हमारी ऑन हो रही है। तो दोस्तों ये आपको हमारा वॉच का पासवर्ड भी बता दें कि ये पासवर्ड कंपनी की तरफ से लगा होता है जो कि 1122 पासवर्ड है। ये आप अपनी वॉच पे भी लगाएंगे तो आपकी वॉच इस पासवर्ड से ऑन हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपको ये वॉच का सबसे पहला डिस्प्ले मिल रहा है वॉच का, तो इसमें एक आपको यहाँ पे डायलर का बटन मिल रहा है जो कि हम यहाँ पर सिम डालेंगे तो यहाँ से हम कॉल्स वगैरह मिला सकते हैं। मेन्यू में अगर हम चाहें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस हैं, तो हमें ये डायलर मैसेजिंग के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं, फोन बुक मिल रही है जिसमें अपने कॉन्टैक्ट्स हम देख सकते हैं, बाद में रिमोट नोटिफायर, रिमोट कैप्चर हैं। रिमोट नोटिफायर इनके आपको बताता चलूँ कि दोस्तों इस वॉच में दो मोड्स हैं, कंपनी मोड है और एक हमारा अपना सिम जब इसमें डाल देते हैं वो मोड होता है। जो कंपनी मोड है दोस्तों, इस मोड में वॉच ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, जो कुछ भी मोबाइल पे चलाएंगे वो ब्लूटूथ पे चल सकता है। लेकिन जो सिम मोड है उसमें हम इसमें सिम डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। मेमोरी कार्ड को हम ये फाइल मैनेजर से मैनेज कर सकते हैं, तो हमने अभी तक मेमोरी कार्ड नहीं डाला हुआ है इसलिए हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में चले जाएँ तो सेटिंग्स में आपको फ़ोन सेटिंग्स मिल रही हैं। फ़ोन सेटिंग्स अगर हम देते हैं डेट टाइम लैंग्वेज और डिस्प्ले की सेटिंग मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ये मिस्क सेटिंग मिल रही हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये हमें अपनी वॉच के डिस्प्ले के बारे में बता रहा है कि डिस्प्ले की हम ब्राइटनेस और थोड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ये देखें हम ब्राइटनेस थोड़ी करते हैं, थोड़ी हो रही है ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस अगर हम ज़्यादा ब्राइटनेस कर लिया हमने दोस्तों ये आप देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं जिसमें ये दोस्तों सिक्योरिटी सेटिंग में हम अपने फ़ोन की सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, फ़ोन लॉक अगर हम लगाया हो तो चेंज कर सकते हैं कैसे चेंज होगा, और ये कनेक्टिविटी में हमारे ब्लूटूथ वगैरह के बारे में। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे एक कैलेंडर मिल रहा है, कैलेंडर से आप अपने डेट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम कैलकुलेटर में यहाँ पे मिल रहा है, कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अलार्म हमें मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमें कैमरा भी मिल रहा है जो कि ये ऊपर हमने कैमरा आपको दिखाया था, कैमरा आप देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। अभी हमने कोई आगे पिक्चर वगैरह नहीं रखी हुई तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, उस वॉच की प्राइस के साथ एक अच्छा कैमरा हमें इसके साथ मिल रहा है। और यहाँ पे एक ऑडियो प्लेयर भी है जो इसमें मेमोरी कार्ड की ऑडियो वगैरह दिखाता है हमें, जो ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह चलाएगा वो। दोस्तों यहाँ पे और बात आपको बताऊँ, यहाँ पे फेसबुक ब्राउज़र और ट्विटर और व्हाट्सएप के फंक्शन भी आपको जैसे ऐप्स भी आपको मिल रहे हैं। जब आप इसमें सिम डालेंगे तो ये आप इसको इनको चला सकते हैं इन सब ऐप्स को। तो दोस्तों अभी आपको हम इस वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो इस वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास मोबाइल में BT नोटिफिकेशन नेम का एक ऐप आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन के लिए आप प्ले स्टोर खोलें और यहाँ पे BT नोटिफिकेशन लिखें। दोस्तों ये हम आपसे पूछ रहा है कि हमें ब्लूटूथ ऑन करना है, तो आप सकते हैं। तो इसमें आप हम अपनी वॉच को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये हम अपनी वॉच को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वॉच हमारी कनेक्ट हो सकती है। दोस्तों आप यहाँ पे अपने मोबाइल पे जो कुछ भी करेंगे ऑप्शन मिल रहा है कनेक्शन का, देखेंगे दोस्तों ये कनेक्ट हो चुकी है वॉच मोबाइल के साथ है। दोस्तों मोबाइल पे जो कुछ भी करेंगे वॉच पे भी चल जाएगा, देखेंगे मोबाइल चलाएंगे।
दोस्तों अब हम यहाँ पे म्यूज़िक चलाएं, ये हमने म्यूज़िक चलाया तो आप देख सकते हैं मोबाइल पे म्यूज़िक चलना शुरू हो गया है। ये हमें दिखा रहा है कि गूगल प्ले म्यूज़िक से म्यूज़िक चलाने को कर रहा है, जिससे हम मोबाइल से डिवाइस भी मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम म्यूज़िक बंद करके अब हम अपने मोबाइल के जरिए कैमरा ऑन करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। कैमरा ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें रिमोट कैप्चर ऑन करना पड़ेगा। ये हमें रिमोट कैप्चर दिया हुआ है तो ये हमें जो म्यूज़िक चला था उसको डिसकनेक्ट करके बाद में हमारा ये कैमरा ऑन हो जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल के साथ कैमरा कनेक्ट हो चुका है, मोबाइल को जिस तरह दिखा रहे हैं कि कैमरा हमारी घड़ी के जिस तरफ हो रहा है, तो हम घड़ी के कैप्चर ऑप्शन से यहाँ से पिक्चर भी कैप्चर कर सकते हैं। ये पिक्चर कैप्चर हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे अब हम आपको इस घड़ी में सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड डालने के बारे में बताते जाएँ तो ये आपको एक घड़ी पीछे से खोलनी पड़ेगी दोस्तों। ये आप यहाँ से पीछे से घड़ी को खोल सकते हैं, यहाँ से आपको अंदर बैटरी वगैरह मिलेगी और आप अंदर इसके अंदर सिम कार्ड डाल सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये बैटरी है इसकी जो कि हम अपने मोबाइल में बाहर है, तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है ऑप्शन, यहाँ पे हम अपनी सिम कार्ड डाल सकते हैं और यहाँ पे हम अपना मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो दिखाएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।